हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे औषधीय पौधों के बारे में जो कि ज़्यादा उपयोग एंड लाभदायी है। तो चलिए जानते हैं आज उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपका आता है एलोवेरा का प्लांट, जिसको घृत कुमारी भी बोलते हैं। तो ये है दोस्तों किंग ऑफ ऑल हर्बल्स माना जाता है, क्योंकि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी सबसे ज़्यादा रोगों को दूर करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एलोवेरा जेल कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्चर है। वैसे तो ये हमारा स्किन को भी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइजिंग रखने में काफ़ी मदद हमको करता है। तो दोस्तों देखिए ये कैसा यूज़ में आता है। जैसे कि आपको इसका यूज़ करना है तो पहले क्या करेंगे, नहाने से 15 मिनट या 30 मिनट पहले आप इसको अच्छे से मसाज करके अपने फेस में इसको लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको आराम से धो लीजिएगा, या फिर सोने से पहले आधा घंटा पहले आप इसको अच्छे से मसाज करके अपने फेस में लगा के रखेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपके बॉडी में और फेस में रिंकल्स आते हैं या फिर ड्राइनेस आता है, तो इसके मॉइस्चराइजेशन के वजह से वो क्या होगा, पिंपल्स भी अगर आ रहे हैं तो ये इसको क्लियर कर देगा। कंटिन्यूअसली 1 वीक तक इसको यूज करें। फिर चलिए जानते हैं इसका दूसरा उपयोग क्या हो सकता है। किसी को भी कोई हार्ट की बीमारी हो या फिर किडनी इंटरनल ऑर्गन्स के अगर बीमारियां होते हैं तो आप इसका क्या कर सकते हैं, जेल बना के आप देख सकते हैं, जैसे ये जेल है इसका जेल बना के आप लोग इसको पी सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही फायदा मिलेगा दोस्तों आपको, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों जिसका भी हेयर डाइज का प्रॉब्लम है, हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, अगर आप इसको कंटिन्यूसली अगर यूज करते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी इसमें हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि हेयर को सॉफ्ट कराने में, हेयर फॉल रोकने में काफ़ी मदद करता है। जैसे किंग के बाद क्वीन आता है, वैसे ही आपका आयुर्वेदिक जगत में आपका तुलसी को क्वीन माना जाता है। इसको बेसिल तुलसी भी कहते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला मेडिसिनल हर्ब्स बोलने से आपका तुलसी यूज होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये तुलसी का हर एक पार्ट्स हम आयुर्वेदा में यूज कर सकते हैं, जबकि ये यूज़ करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन देने वाला प्लांट में से भी एक है, और इसका पास इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ये ब्लड प्योरीफायर में मदद करता है, प्रिवेंटिंग अगेंस्ट मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियों को ये क्योर करने में मदद करता है। तो रोज़ रोज़ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो स्वस्थ रहना तय है। इस जगह पे आप लोगों को ये सलाह दी जा रहा होगा कि अगर आप तुलसी का पत्ते का चाय या फिर उससे रिलेटेड चाय अगर आप पीते हैं रोज़ एक कप, तो आप डेफिनेटली आपका इम्यूनिट सिस्टम काफ़ी हद तक ग्रो कर सकता है। फिर चलते हैं दोस्तों मिंट लीफ के पास। तो आप जैसे ही जानते हैं दोस्तों, मिंट लीफ एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इसका हर एक प्लांट्स में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। अगर आप लोग अगर ये मिंट लीव्स का चटनी बना के या फिर इसका ड्रिंक्स बना के या फिर इसका चाय जैसे बना के आप रोज़ अगर पिया करते हैं तो दोस्तों आपका क्या होगा, इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी मदद होता है। इसके साथ इसमें भरे हुए हैं आपका एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपका ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। जैसे कि स्टोन किडनी में भी ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद पाया गया है। तो चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों आपका गिलॉय, जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के ज़माने में ये काढ़ा वगैरह बनाने में काफ़ी यूजेस होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका ज़्यादा यूजेस क्यों हो रहा है, इसका चाहिदा क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि हमारे जैसे तुलसी पौधा में इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो करने का कैपेसिटी जितना होता है, उससे भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ये गिलॉय का टहनी में होता है। तो ये गिलॉय प्लांट्स जो आप देख सकते हैं, ये क्रीपर प्लांट्स है दोस्तों, और इसको लगाना भी काफ़ी ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉफिट हमें मिल सकता है। पहले दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्टेम है इस स्टेम को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको ग्राइंडिंग कर इसका काढ़ा बना के इसको पिया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों कड़ी पत्ता, हाँ जिसको हम करी लीव्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए जानते हैं आज इसके। पहले तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसीलिए इसको यूज किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मददगार होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जिसका डाइजेशन का प्रॉब्लम्स हो, गैस्ट्रोनल प्रॉब्लम हो या फिर आईसाइट के टाइप्स का प्रॉब्लम्स को ये अच्छे से
और बहुत अच्छे से क्योर करता है। तो डेली अपने डाइट में इसको इस्तेमाल करें। आप आते हैं, ये है आपका कैरम प्लांट, जिसको अजवाइन का प्लांट भी बोला जाता है दोस्तों। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं आज इसका क्या क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में दोस्तों अजवाइन भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे आप कैरम सीड सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम हो, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, या फिर कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम जैसा बीमारियों को ये चुटकी में ठीक कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका डिमांडिंग के हिसाब से। तो तब के लिए चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, जाते जाते हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।